हाय फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर नुपुर दुबे। आज मैं आप लोगों के साथ कुछ कॉमन डिजीज के बारे में डिस्कस करूंगी या कुछ छोटी छोटी बातें आप लोगों को शेयर करूंगी। ये कैसे होती है, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं और इसके क्या क्या होम्योपैथी में मेडिसिन है। अभी सीजन चेंज हो रहा है, इस चेंज में सभी हम इस कॉमन डिजीज से परेशान होते हैं, स्पेशली बच्चे। पर ऐसा नहीं है कि एडल्ट्स नहीं होते हैं या वयस्क नहीं होते हैं, एडल्ट्स वयस्क ये भी अफेक्टेड होते हैं। ये कॉमन इन्फेक्शन है और इन मैं जो बातें आपके साथ शेयर करूंगी या जो जो मेडिसिन आपको बताऊंगी, ये अगर आप अपने घर पे रखें या आप यूज करें तो आप खुद का डॉक्टर आप खुद ही बन सकते हैं। तो चलिए मैं इस डिस्कस को आगे बढ़ाती हूँ और मैं पहले बता दूं कि आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए कि आगे मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो आप लोग के पास डायरेक्ट चला जाए। तो एक फ्रेंड्स, सर्दी जुखाम ये कॉमन इन्फेक्शन है और ये इन्फेक्शन जिसे हम वायरल इन्फेक्शन कहते हैं। और ये वायरल इन्फेक्शन कैसे होता है, इसके वायरस को क्या कहते हैं, इसके वायरस को राइनोवायरस कहते हैं। और ये स्पेशली जो इन्फेक्शन होती है वो नोज, थ्रोट, इन सब में ये इन्फेक्शन होती है। मैंने बताया आप लोगों को कि ये कैसे होते हैं, अब मैं बताऊंगी कि इसके लक्षण क्या होते हैं। इसके लक्षण स्पेशली क्या होते हैं, रनिंग नोज, सर में दर्द, बॉडी पेन या हल्का फुल्का फीवर भी होती है। ये स्पेशली 7 to 10 days इन्फेक्शन का असर रहता है। इसमें ज्यादातर रिस्क फैक्टर नहीं होते हैं लेकिन फिर भी हम परेशान होते हैं, तो तकलीफ होती है क्योंकि बॉडी पेन होती है, आंखों में जलन भी हो सकती है। तो अब मैं आगे बताऊंगी आपको कि इसकी क्या क्या होम्योपैथी में क्या क्या अच्छे मेडिसिन है। होम्योपैथी में सबसे बेस्ट या सबसे पहला मेडिसिन जो होती है वो है एकोनाइट, एकोनाइट नैप 30 कब लेंगे, जब आपको एकदम अब लग रहा है कि जुखाम हो गया, नाक से रनिंग ऑफ द नोज है, आंखों से पानी आ रहे हैं, नाक आंख में जलन और आप छींक छींक के परेशान हैं, तो तुरंत अब एकोनाइट नैप का 30 दिन में 4 बार लीजिए, 4 बूंद करके अपने टंग में डाल दीजिए और ये लगभग 3 दिन तक लीजिए। देखिए आपकी जुखाम आगे और बढ़ेगा नहीं, वहीं स्टॉप हो जाएगा। पर हाँ, अगर बच्चे हैं तो बच्चे को आप 2 drops दीजिए, दिन में 3 बार या 4 बार भी आप दे सकते हैं अगर छोटे बच्चे हैं तो। अब नेक्स्ट मेडिसिन बेलाडोना। अच्छा, बेलाडोना कब लेंगे, आपको सर में भयानक दर्द है, नाक से पानी भी आ रहा है और फेस बिल्कुल लाल हो रहा है, आपको मन कर रहा है कि आप अंधेरे घर पे जाके चुपचाप लेट जाए, किसी से बातें ना करें, तो आप बेलाडोना 30 उसी तरह से 4 बूंद दिन में 4 बार लीजिए, देखिए आपको तुरंत आराम आ जाएगा। नेक्स्ट मेडिसिन ब्रायनिया। ब्रायनिया में भी बॉडी पेन बहुत ज्यादा होती है, इसमें प्यास बहुत ज्यादा लगती है, फीवर भी अच्छा फीवर आ जाता है, तो ऐसे में आप ब्रायनिया ले सकते हैं। अब नेक्स्ट मेडिसिन रस्टॉक्स। रस्टॉक्स कब लेने के लिए बोलूंगी मैं, रस्टॉक्स में क्या होता है ना, पेशेंट बहुत रेस्टलेस हो जाते हैं, वो बिल्कुल उनको मतलब किसी तरह से चैन नहीं पड़ता है, बॉडी में पेन तो बहुत ज्यादा ही रहता है और बिल्कुल वो जो मौसम होते ना, सर्द गर्म वाली जो मौसम होता है उसमें आप रस्टॉक्स लीजिए 30। सेम एक ही प्रोसेस में लेना है आपको, उसमें भी आप 2-3 दिन लीजिए, देखिए आपको आराम आ जाएगा।
लास्ट मेडिसिन मैं बताऊंगी जलसिमिन। जलसिमिन में भी वही बात है कि जलसिमिन मैंने कहा तो पेशेंट बहुत थका थका सा रहता है, उसको बिल्कुल लगता है कि मैं सोई रहूं, किसी से बात करने की मन नहीं होती है, ड्राउजीनेस डिजीनेस जो फील होती है, और साथ में आपको वो जुकाम सर्दी फीवर होती है, तो आप इसमें पेशेंट को जलसिमिन दीजिए। देखिए आपको, हाँ मैं साथ में और एक बोल देती हूँ, ये ब्रायनिया और रस्टक्स को आप एक साथ मिला के भी ले सकते हैं। अगर आपको बॉडी पेन बहुत ज्यादा बॉडी में पेन है, सर में दर्द है, तो आप रस्टॉक्स और ब्रायनिया को भी मिला के ले सकते हैं अल्टरनेटिव में। जैसे रस्टॉक्स ले लिया, उसके दो घंटे बाद फिर ब्रायनिया लिया, फिर रस्टॉक्स फिर ब्रायनिया, क्योंकि ऐसे दिन में चार बार आप ले सकते हैं। इस तरह से आप लेंगे तो आपको बहुत आराम मिलेगा। लेकिन फिर भी मैं बोलूंगी अगर आपको इन दवाइयों के लेने के बावजूद भी आपको कुछ आराम नहीं मिल रहा, तो आप तुरंत डॉक्टर के पास जाएं, डॉक्टर के पास जाके दिखाएं, उनसे कंसल्ट करें। और बच्चों के मामले में तो बिल्कुल रिस्क ना लें, अगर 100 फीवर आ जाता है तो आप तुरंत डॉक्टर के पास जाइए और डॉक्टर के साथ डिस्कस कीजिए। थैंक यू। हाँ, अगर आपको होम्योपैथी के बारे में या होम्योपैथी के मेडिसिन के बारे में कुछ भी जानकारी लेना है तो आप कमेंट बॉक्स में आप अपना परेशानी लिख के मुझे दे सकते हैं, मैं आपको सारी जानकारी दूंगी।